सोलन का शांति बाईपास महज 5 किलोमीटर का है और करीबन 10 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह विभागों में आपसी तालमेल की कमी और अधिकारियों की लेट लतीफी है। यही कारण है कि कई वर्षों से बाईपास का निर्माण अधर में लटका पड़ा है। यही कारण है कि शहर वासियों को रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए है। सोलन का शांति बाईपास महज 5 किलोमीटर का है और करीब 10 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह विभागों में आपसी तालमेल की कमी और अधिकारियों की लेट लतीफी है। यही कारण है कि कई वर्षों से बाईपास का निर्माण अधर में लटका हुआ है। यही कारण है कि शहरवासियों को रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने के लिए पहाड़ी खोद दी है और सड़क के आसपास आने वाले बिजली के पोलों को शिफ्ट करवाने के लिए आग्रह के साथ साथ विभाग में शिफ्टिंग के पैसे भी जमा करवा दिए हैं, लेकिन बिजली बोर्ड है कि गिरने की कगार पर खड़े करीबन आधा दर्जन पोलों को न जाने किस वजह से शिफ्ट नहीं कर रही है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि खुदाई की वजह से बिजली के पोल कभी भी गिर सकते हैं और किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन शायद विभाग किसी बड़ी दुर्घटना होने का ही इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां ये पोल गिरने के कगार पर है वे आम रास्ता है, बच्चे बूढ़े और जवान सभी यहां से गुजरते हैं जो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, और अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, इसलिए समय रहते इन बिजली के खंभों को यहां से शिफ्ट कर देना चाहिए। यहां हालत ये है कि जितना भी जो राजगढ़ बाईपास रोड बन रहा है इसमें कुछ एक पोल ऐसे इलेक्ट्रिकल के जो गिरने की कगार पे है, जिसमें के लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। यहां बच्चे स्कूल के भी आएंगे, पब्लिक भी चलेगी, कल के लिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका रिस्पॉन्स किसके पास होगा, कौन जिम्मेवारी लेगा। हमारा ये भी प्रशासन जो है इसके बारे में कुछ कार्रवाई करे। मान लो अब ये 3 फेज लाइन है इलेक्ट्रिकल की, मान लो पोल गिर जाता है, गवर्नमेंट का ही नुकसान है, पब्लिक का कितना नुकसान है, किसी का बच्चा मान लो तार के नीचे आ जाए, कोई आदमी तार के नीचे, कोई लेडीज कोई भी आ सकता है, तो ये प्रशासन को ये चाहिए कि हम इसका सुधार करें। ठेकेदार को टेंडर दिए हुए, ठेकेदार आ ही नहीं रहा है, तो इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि प्रशासन की भी कमी है। अब करना तो काम ठेकेदार ने, प्रशासन ने तो आगे बोल दिया है। गिर सकता, देखो बच्चे यहाँ से जाते, देखो ये रेडी भी है, आदमी आते जाते, रास्ता है, सड़क है, तो क्या हो सकता है, तो दुर्घटना हो सकती है, आदमी मतलब खतरा है आदमी के लिए। तो देखो अब होना तो चाहिए, पक्का होना चाहिए ये ढंग से, मतलब कहीं ऐसी जगह में लगाओ जहाँ खतरा ना हो इंसान को, आदमी को। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।